हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर का बेसिक कर लिया था। आज हम 18.8 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, एक अन्य व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। देखो, सबसे पहले एक अध्ययन मेज मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? अध्ययन मेज, ठीक है। इस पर आप, ये एक अध्ययन मेज है, इस पर एक लैंप मान लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये मान लिया लैंप है। ये क्या है? हमारा लैंप, समझिए। अब देखो, इसमें लैंप को एक बिंदु मान लिया ये, और इस मेज को एक क्या मान लेते हैं? समतल। लैंप को एक क्या मान लेंगे? बिंदु, और मेज को समतल। अब इसकी दो कोरे हैं, इससे लंबाई। अब इसकी दो कोरे हैं, एक से लंबाई, इससे लंबाई ये मान लेते हैं हम 30 है। जो ये छोटे वाली कोर है, इससे लंबाई 30 है, इससे मान लेते हैं हम लंबाई ये कितनी है? 25। इस लेंथ, इस साइड से इसकी लंबाई मान ली 25, इस साइड से मान ली इसकी 30। तो आप उस व्यक्ति को क्या बताएंगे? इस लेंथ की स्थिति क्या है? तो आप क्या बताएंगे? यहां तो ये 30 25 है, यहां क्या बताएंगे आप? 25 30। समझिए, जैसे आपके पास एक मेज था, मान लो आपने ये लंबाई मान ली यहां पर 10 है, और ये मान ली 5 है, तो उसको क्या बताओगे आप? लैंप की स्थिति क्या है? 5 10, यहां क्या बताएंगे? 10 5। समझिए, इस प्रकार से आप लैंप की स्थिति बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में कितनी मुख्य सड़कें हैं? दो। दो तो उसने बोल दिया मेन रोड भी है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं इसमें? जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में। देखो, ये दो जो मेन सड़कें हैं, एक तो है ये हो गया जैसे ईस्ट वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, यानी ये हो गया पूर्व पश्चिम, और ये हमारा हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हमारा हो गया दक्षिण। ये तो है मेन सड़कें दो, एक तो है पूर्व पश्चिम दिशा में, एक है उत्तर दक्षिण, और उसने बोल दिया ये कहां पर मिलती है? केंद्र पर। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। जो भी बाकी सड़कें हैं, कितनी सड़कें हैं टोटल? उसने आगे बोला है 5-5 सड़कें हैं दोनों दिशा में, इसके समांतर क्या है? 5-5 सड़कें, और एक सेमी के इक्वल कितना बोल रखा है उसने? 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पर है ये 5 सड़कें, इसके समांतर है। जैसे मान लिया ये होगी, इसको मान लेते हैं सड़क वन या मार्ग वन बोल देते हैं, एक और इस साइड मान लेते हैं, चलो इसको दे देते हैं मार्ग वन, मार्ग टू। इस प्रकार से 5-5 सड़कें उसने हमें बोल रखा है। फिर यहां पर ले लेते हैं मार्ग थ्री, मार्क फोर, इनकी दूरी जो है 1 सेमी ली है इसमें, तो आप 1-1 सेमी की दूरी पे ये बनाओगे। ये क्या हो गया? मार्क फाइव। ये क्या हो गया आपका? मार्क फाइव। इसमें भी वो कहते हैं 5 सड़कें, इसको देखते हैं मार्क फर्स्ट, ये भी 200 सेमी की दूरी पर है, इसको देखते हैं मार्क सेकेंड, इसको देखते हैं हम मार्क थर्ड, मार्क फोर्थ, और मार्क क्या हो गया यहां पर? फिफ्थ। ये और ये हमारी मेन शक्ति मुख्य है, जो क्या करती है? केंद्र पर मिलती है। अब देखो, इसके बाद उसने आगे क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि
इस तो आगे मतलब कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को फोर थ्री माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटें हैं जो जिनको क्या मान सकते हैं फोर थ्री। तो फोर थ्री देखो यहां पर ये फोर है और ये यहां पर थ्री है, तो एक बिंदु तो इसको मान सकते हैं फोर थ्री, क्या मान सकते हैं इसको फोर थ्री, ठीक है। और उसने क्या पूछा इसमें, थ्री फोर कितनी स्ट्रीटों को थ्री फोर माना जा सकता है। तो फोर थ्री हमने देख लिया यहां पर थ्री फोर, तो थ्री और फोर तो ये यहां पर आ जाएगा हमारा, ये बिंदु यहां पर हमारा क्या आ जाएगा थ्री फोर, इसको क्या मान सकते हैं थ्री फोर और इसको क्या मान सकते हैं फोर। तो दो स्ट्रीटें हैं, इस प्रकार से और भी बना सकते हैं, मान लो तीन ऊपर ले ली है चार ऊपर ले ली, उस प्रकार से आपने बिंदुओं का निर्धारण करना है। ये तो सिर्फ बेसिक सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये पहले तो ये दिया किसने था, ये सिद्धांत रहने विभाग थे, रहने विभाग थे। तो वो क्या है सो रहा था, वो ये सोचते सोया हुआ बंदा क्या है ज्यादा अच्छा गहन अध्ययन कर सकते, ठीक है। आलसी नहीं था, जैसे कि लोग आलसी की तरह पढ़े रहते, तो ये आलसी नहीं था। तो अब उसने सोए वक्त एक बिंदु देखा ऊपर छत, तो उसने कहा कि इस बिंदु का मैं निर्धारण किस प्रकार से कर सकता हूं, फिक्स वैल्यू किस प्रकार से बता सकता हूं। जैसे आपको ये कह दिया ये बॉक्स है, इस बिंदु को बताओ, तो आप क्या कहोगे ये लेफ्ट के नजदीक है, इधर से इसकी दूरी ज्यादा है, इस प्रकार से आइडिया करो। तो उसने कहा इसकी फिक्स वैल्यू किस प्रकार से बताते हैं, तो इसने कहा कि यह पंक्ति दी थी, किसने दी थी रहने दिखा। ये क्वेश्चन इसके समझ आ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में लैंप की स्थिति बतानी थी, हमने लैंप की स्थिति को मान लिया वो 25 सेमी दूर है, एक साइड 30 सेमी जो भी है बिंदु। इसी प्रकार से उसने इसमें बोला थ्री फोर और फोर थ्री का निर्धारण इस प्रकार से, और ये कार्तीय पत्ती दी किसने थी रहने दिखा। इसके तीन पॉइंट दो के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में